आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गया हमने कोई इमला का प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैंने सोचा चलिए आज एक इमला पे वीडियो बना दिया जाए। तो जिस कहानी पर मैं इमला बोलूँगी, मैं आपको उसका एक स्मॉल समरी, एक छोटा समरी बता देती हूँ, ताकि आपको इस कहानी में इंटरेस्ट जागे और आपको इमला प्रैक्टिस करते हुए अच्छा लगे, आपका इमला प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो ये समरी सेशन को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रैक्टिस सेशन पर जा सकते हैं। ठीक है, भाग्य, किस्मत या डेस्टिनी, जो भी आप चाहें कह लें, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और सबकी किस्मत लिखी जा चुकी है, इस धरती की, इस धरती पर जी रहे मनुष्य की, इस ब्रह्मांड की, या कहिए कायनात की, सबकी किस्मत लिखी जा चुकी है। तो आज हम जिस कहानी पर इमला लिखने जा रहे हैं वह भाग्य पर यानी किस्मत पर आधारित है। इस कहानी का नाम है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई है। कहा जाता है कि जैनेन्द्र कुमार जी गांधी जी के असहयोग आंदोलन यानी जिसको हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उनकी सहायता करते थे और अक्सर भाग लिया करते थे, और उनकी रुचि साहित्य की ओर जेल यात्रा के दौरान ही प्रवृत्त हुई। खैर, उस समय हम जैसे हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज बहुत जुल्म कर रहे थे, और ये भी हो सकता है कि जैनेन्द्र जी ने ये कहानी तब लिखी हो जब हम हिंदुस्तानियों का भाग्य बहुत ही खराब था, और मनुष्य की हृदयहीनता को दर्शाने के लिए ये कहानी हो सकता है उन्होंने लिखी हो। तो इस कहानी में लेखक ने एक कमजोर और गरीब लड़के को दर्शाया है जो तंग होकर अपने गरीब परिवार को छोड़कर नैनीताल कमाने आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर भी उसके दुखों का कोई अंत नहीं होता। उसी समय लेखक अपने मित्रों के साथ नैनीताल का आनंद ले रहे थे। संध्या का वक्त था और लेखक अपने साथी के साथ एक बेंच पर बैठे थे। तभी उस समय लेखक के सामने एक लड़के की परछाई आकर खड़ी हो जाती है। जब लेखक उसको पास बुलाकर देखते हैं तो उसकी दशा देखकर लेखक को इंसानियत पर शर्म आ जाती है। वह लड़का बहुत ही बुरे हाल में रहता है, उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं और मुंह पर पूरा काली पोता हुआ रहता है। ऐसा लगता था कि वो बच्चा बहुत ही खराब स्थिति में काम कर रहा था। लेखक उस लड़के से थोड़ा सा पूछताछ करते हैं, पर उस लड़के की सहायता करने की भी ठान लेते हैं। उनका एक वकील दोस्त रहता था जिसे एक नौकर की सख्त जरूरत थी, तो लेखक उस लड़के को वहां पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन लेकिन शायद उस लड़के की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लेखक के वकील दोस्त उस लड़के को काम पर रखने से मना कर देते हैं। तो लेखक के मित्र जो उनके साथ नैनीताल घूमने आए हुए रहते हैं, वे उस लड़के को दूसरे दिन अपने होटल में बुलाते हैं ताकि उस लड़के की कुछ सहायता कर सके। लेकिन दूसरे दिन भी वह लड़का नहीं आता। अब लेखक और उनके मित्र चलने की तैयारी में लगे हुए रहते हैं और उस लड़के का इंतजार भी करते हैं, लेकिन जब वह लड़का नहीं आता तो वे लोग मोटर में सवार होने को चले जाते हैं। ठीक है, जब वे मोटर में सवार हो रहे थे तभी उन्हें एक समाचार सुनने को मिलता है कि एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। यह वही लड़का था जो जिसकी सहायता लेखक और उनके दोस्त करना चाह रहे थे। दोनों ने यह समाचार सुना तथा उसकी दर्दनाक मौत पर सोचा अपना अपना भाग्य। हो सकता है भाग्य को भी उस लड़के पर तरस आ गया कि वो इस दर्दनाक जिंदगी से गुजर रहा था, इसलिए भाग्य ने सोचा इस लड़के के लिए मौत ही बेहतर है ताकि उसको इस कष्ट वाली जिंदगी से छुटकारा दिला दिया जाए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अपना अपना भाग्य अच्छा लगा हो। और चलिए हम लोग इमला लिखना स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला वाक्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे
बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा अरुण पड़ जाते। जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। पांच, दस, पंद्रह मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी।
अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के इशारे लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान ना था। और जरा बैठना भी जरा ना था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था। कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, अरे देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई।
तीन गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल, खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज, लटकाए हैं।